हेलो, इसके हाल चला गया मैंने देखे सुबह सुबह मैं आया था हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का गया ब्लड बैंक। देखो बैठो यहाँ पे, कल ब्लड डोनेट करके गया और ट्रांस में डोनेट करके गए थे और आज लेने का था तो आया हूँ मैं लेने। अभी जो सैंपल है सैंपल से ब्लड चेक कर रहे हैं, सैंपल चेक कर रहे हैं और ब्लड चेक कर रहे हैं, कुछ तो मैच होना चाहिए। कोशिश कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ उसे फ़ोन चला रहा था, अभी तो इंस्टाग्राम चला रहा था, अभी तो बंद कर दिया, एक बैठे बैठे बोर हो रहा था। अभी तो एक यूनिट दिया कि और दो यूनिट लेना है, तो लोग अभी लेके आ रहे हैं बंदे, जो लोग डोनेट करेंगे फिर देखते कब तक होता है। यहाँ से आज तो लगता है यहाँ पे सारा दिन बैठ के मेरे को ये ह्यूंडई के एसी देखना पड़ गया बैठ बैठ के। ये देखो ये गवर्नमेंट वालों को चैरिटेबल होता है ना, यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ था, ये देखो रुद्रपुर चली चैरिटेबल ब्लड सेंटर। ये देखो आप रक्तदान कर सकते हैं, रक्तदान वर्ष 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए, सब लिखा हुआ है यहाँ पे। भाई अभी शाम हो गई है, शाम पहले दोपहर हो गया और मैं अभी कर रहा हूँ ब्लड डोनेट। ये देखो ये घुसा दिया और मेरे हाथ में ना ये दे दिया दबाने के लिए, क्या फ़ायदा यार ये देने से, अच्छा तो मेरे गर्लफ्रेंड को भेज देते हैं, वो मेरे लिए बैठे हुए थे। ये देखो हाँ तो फिर जा रहा है, आ रहा है सीधे लेट जाऊँ। ओके तो बहुत रिलैक्स होकर लेटने को मिल रहा है मेरे को सीधा। ये भाई डॉक्टर साहब भेज रहे हैं, उनके भैया आ गए भाई, अब 10 मिनट लेट आ दिया मेरे को, मेरे हाथ में बॉल दे दिया था यार, वो दबाने के लिए देखा था ना, उससे अच्छा तो मेरे गर्लफ्रेंड को भेज देते हैं और जल्दी ब्लड निकल जाता, मेरा एक यूनिट निकाला था ना और जल्दी निकल जाता। अब मैं लेटा हुआ शायद भैया कुछ खाने पीने के लिए लेने गए, एक यूनिट ब्लड दिया है, कुछ लग नहीं रहा मेरे बॉडी में कि मैंने कुछ दिया, और दो चार यूनिट ले लेते यार, क्या यार एक यूनिट ले रहे यार, मैं तो और दे दूँ। पता नहीं एक यूनिट लिया या दो यूनिट लिया, पता नहीं मेरे को भी, बट वैसा खासा कुछ फील नहीं हो रहा, शायद खड़े हों तो फील हो कुछ हो, अभी तक तो वैसा कुछ हो। देखो रक्तदान के पश्चात खाई जाने वाली चीज़ें सरकारी सावधानियाँ, प्रचुर मात्रा में पेय पदार्थ ले, अतिरिक्त भोजन आवश्यक नहीं है, रक्तदान पश्चात 10-15 मिनट का आराम कर रहे हैं, इतना कुछ दे रखा है हमारे, हम तो जल्दी में भाई, हमें तो हॉस्पिटल जाना है, हम इतना चीज़ का पालन कैसे करें बताओ, बट कोई बात नहीं अभी लेटे रहता हूँ आराम से थोड़ी देर, क्या पता उठते ही चक्कर आ जाए, लेटा हूँ अच्छा लग रहा उठते ही चक्कर आ जाए ना, ऐसा भी तो हो सकता है ना। चलो लेटा रहता हूँ थोड़ी देर, फिर मिलता बाहर जाके। ब्लड तो दे दिया है और देने के बाद मेरा वाला जो था वो तो मेरे को मिल गया है, मैं दूसरे वाले का वेट कर रहा था, बट वो बोल रहे कि भैया जो पहला वाला है वो दे के आ जाओ पहले, नहीं तो खाली में ये भी ख़राब होगा ये वो। ये देखो मेरा ब्लड इसके अंदर में है, अब मैं इसको लेके जा रहा हूँ। अभी इनसे मेरा वो हो गया था थोड़ा सा, क्या हुआ ना, अब मेरे पास कैश था नहीं तो मैंने बोला भैया ये कैश, मतलब कैश तो है नहीं, ऑनलाइन पेमेंट कर लो। तो मेरे को बोलते हैं सरकार के कहाँ पे देखा है कि ऑनलाइन पेमेंट होता है, सरकार का जो भी है वो कहीं पे ऑनलाइन नहीं होता। मैंने बोला चलो ठीक है भाई, फिर मतलब उन्होंने ऐसा बोला ना, फिर ना मैं फिर पैसे कैश लेके गया तो मेरे पास 150 रुपीज़ देने थे, ठीक है, अब मेरे पास थे कितने 1500 थे, 1050 देने थे, 1500 थे, तो मैंने उनको दिया, तो बोलते हैं हमारे पास चेंज ही नहीं था। मैंने बोला सर गवर्नमेंट ने चेंज के लिए भी मना कर रखा है क्या? बोलता यार ऐसा मत करो। फिर मैं चेंज करवा के लाया, करवा के फिर दिया। अरे यार गुस्सा आता है इनके ऊपर बहुत कभी कभी, बट अच्छे लोग थे, बात अच्छे अच्छे से कर रहे थे, ऐसे सारे सरकारी लोग होते तो क्या ही बात होती यार, अच्छा बात कर रहे थे लोग। मैं ही थोड़ा टेढ़ा हूँ। और कुछ नहीं, लोग अच्छे थे। अभी जा रहा हूँ जल्दी जल्दी हॉस्पिटल, ये वाला चढ़वा देता हूँ जब तक लास्ट वाला आ जाएगा, वो कॉल कर देंगे, मैं आके वो भी ले जाऊँगा। नहीं गाइस मैं घर आ गया था, क्या हुआ था हॉस्पिटल का काम वाम निपटाया, फिर मेरे को आया पोटी,
इतना तेज आया, इतना तेज आया, मैं ब्लॉग ब्लॉग एंड बाद में करूँगा, मैं पहले घर जाता हूँ। फिर आया घर आके पहले पोटी करा, पोटी वोटी करके फिर रूम पे आया, थोड़ा सा रेस्ट करा। देख रहा हूँ मेरा ऐसे ही रूम पड़ा है भाई, कुछ साफ सफाई नहीं। और मैं दिखाऊँ, ये देखो हालत, देखो मेरे यहाँ का, देख रहा हालत, देख रहा हूँ, देखो हालत, देखो साफ ही नहीं करा है मैंने ये सब। कैसे होगा भाई, 4-5 दिन से हॉस्पिटल के चक्कर। सुबह जाता हूँ, रात को ऐसे टाइम पे घर, ऐसा रोज़ तो 10-11 बजे तक आता हूँ, आज जल्दी आ गया मैं। बाकी ब्लॉग यहीं था कि आज ब्लड भी डोनेट करा है, थोड़ा सा वीकनेस तो वैसा खास नहीं लग रहा है, बट ऐसा हो रहा है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ये 4-5 दिन का भागा दौड़ी है, उस चक्कर में हो रहा होगा, बाकी कुछ नहीं है। तो अभी ना मैं थोड़ी देर सो जाऊँगा, आराम से थोड़ी देर सो जाऊँगा, सो के फिर आराम से उठ के 1 घंटा सो के फिर लाइव स्ट्रीम क्या बोल रहा हूँ मैं यार, फिर वो करूँगा, वो क्या, व्लॉग एडिट करूँगा, व्लॉग एडिट करके फिर बस ख़त्म, फिर कल स्टार्ट करूँगा व्लॉग। ठीक है गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।